हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मेरा एडसेंस डिसेबल कर दिया गया। ऐसी वीडियो और थंबनेल आपने बहुत देखा होगा और कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा होता है, तभी ऐसी वीडियो लोग बनाते हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके साथ ऐसा ना हो। एडसेंस बनाने से पहले आप पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से जान लो, क्योंकि मेरा भी एक बार हो चुका है और ऐसे मेरे कई दोस्तों का भी हो चुका है जो एक गलती कर दिए हैं और उनका एडसेंस रिजेक्ट कर दिया गया, डिसेबल कर दिया गया। और आपको बता दूं, एक ईमेल आईडी से, एक नाम से सिर्फ एक ही बार बनता है एडसेंस। वैसे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर आपके कोई घर का होगा, आपके पिताजी के नाम से बनाना पड़ेगा, या तो फिर अपने माताजी के नाम से बनाएं, या तो फिर अपनी भाई के नाम से बनाएं, मतलब आपके घर में किसी के नाम से बना सकते हैं, लेकिन आपके नाम पे नहीं बनेगा। और फिर आप वीडियो में बोलेंगे कि मेरा एडसेंस रिजेक्ट कर दिया गया। दोस्तों, तो दोस्तों वो कौन सी गलती है इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार एडसेंस बना रहे हैं तो एड्रेस की जगह आपका जो आईडी प्रूफ है वही डालो। कई लोग देखा जाता है कि क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मान लो कोई बंदा बाहर रहता है, अपने घर से अलग रहता है, दूर रहता है, तो वो क्या करता है, अपने घर का एड्रेस नहीं देता, वो जहाँ रहता है वहाँ का एड्रेस दे देता है। जैसे कहीं पढ़ाई कर रहा है, कहीं जॉब कर रहा है। यूट्यूब क्या है, एक पार्ट टाइम है, शुरू में भाई पैसे आते नहीं हैं, तो क्या करता है, कुछ ना कुछ करता ही रहता है, या तो पढ़ाई करता रहेगा, या फिर कहीं ड्यूटी करता रहेगा, या कोई जॉब करता रहेगा। तो जहाँ वो लोग रहते हैं, जहाँ पढ़ाई करते रहते हैं, वहाँ का एड्रेस दे देते हैं, या तो फिर जहाँ जॉब करते रहते हैं वहाँ का एड्रेस दे देते हैं। और दोस्तों, यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जब आप वेरीफाई करेंगे एडसेंस को, तब आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा। जब भी आप एड्रेस लिखो एडसेंस में, तो वही एड्रेस लिखो जो आपके आईडी प्रूफ में रहे। आधार कार्ड तो चलता नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या वोटिंग कार्ड हो गया, ठीक है, ये दोनों में अगर आपके घर का एड्रेस है, इस पे घर का ही एड्रेस रहता है, ठीक है, तो घर का ही एड्रेस देना चाहिए आदमी को। जब भी आप एडसेंस बनाओ तो अपने घर का एड्रेस दो जो आपके आईडी प्रूफ में रहे, वरना आपका डिसेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे कि एड्रेस एडसेंस में कैसे देना चाहिए और कहाँ का देना चाहिए। अगर जैसे मैंने बताया है इस तरह आप एड्रेस देते हैं, तो आपका एडसेंस कभी रिजेक्ट नहीं होगा, एकदम आसानी से आपका बन जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हुई होगी। अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हुई हो, तो एक सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में।